खबर उत्तर प्रदेश रामपुर से। रामपुर जनपद की न्यायालय में घंटों से न्यायिक हिरासत में खड़ी रही जया पर्दा। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से जया पर्दा के वारंट हुए रिकाल। जया पर्दा को कोर्ट ने 20,000 रुपए के जमानती पेश करने के लिए दिए आदेश। जया पर्दा के वकील ने 20,000 रुपए के मुचलके किए दाखिल, साथ ही जया पर्दा को आने वाली सभी तारीखों पर उपस्थित रहने की दी हिदायत। वहीं मीडिया से वार्ता कर जया पर्दा ने कहा, मैं 2 बार संसदीय रही हूँ रामपुर की जमी से, मेरे ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाए। मैं कोर्ट में पेश बीमारी की वजह से नहीं आ पा रही थी, मेरी किडनी प्रॉब्लम है, मैं कोर्ट का सम्मान करती हूं, मैं लगातार कोर्ट में हाजिर होंगी। मैं तो हरदम जब जब चुनाव होता है तो आप सब देखते हैं। आजम खान का पूरा परिवार जेल में है, उनको लेके क्या कहना चाहती हैं? कुछ अपने भाई के लिए, इस मौके पे भाई के लिए। अभी अभी मेरे बात आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं ठीक होकर फिर बात करूंगी। जी, तो मैं केस से जो राहत मिली है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना लंबा केस था और इतना टाइम से जा रही है? देखिए, ऐसा है ना, ये सड़क बनाने पर अगर गलत हो गई हो तो मैं सड़क बनाऊंगी ना, जनता के लिए मांग है तो सड़क तो बनाएंगे, इसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन अगर ये केस हुआ है तो ये छोटी सी केस है, लेकिन मैं अदालत को मैं विनय से मैं कहती हूँ कि मैं दोबारा अगर कुछ गलती हो गए हो तो मुझे माफ कर। इस केस को बढ़ावा किसी और ने दिया, आपका आरोप है क्या, मतलब कहना चाहते हैं? हो सकता है, क्योंकि देखिए मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी में मैं आने के बाद महिला शक्ति के बारे में तो हम लोग सब बात करते हैं, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है कि महिलाओं को ले किस तरह सम्मान करना है। वो मैं एहसास करती हूँ कि बीजेपी में आने के बाद मोदी जी और योगी जी मेरे साथ इतना जो है मजबूत खड़े हैं कि हम किसी से भी लड़ सकते हैं। ऐसे कोई हमें ये जो चुनाव के नाम से जो मेरे को बदनाम करना चाहते थे तो ये हो नहीं पाए। तो मैं उन्होंने मुझे ये राहत दिया है, और साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सांसद रही 2 बार इस सरजमीन में रामपुर। आप सभी ने मुझे एक सांसद बनने का हैसियत दिया, जनता ने मुझे बेहद प्यार दिया और मुझे अपने पलकों पे बिठा के मुझे 2 बार सांसद बना दिया। आज मैं आचार संहिता को मैं अगर गलत किया हो तो मैंने एक सड़क बनाई, लेकिन मैंने उद्घाटन के रूप में नहीं किए। वो पत्थर के ऊपर जो माला पहनाया था वो मैंने देखने के लिए, पत्थर के नाम क्या है वो देखने के लिए मैंने कोशिश की थी। तो बात जो है अभी अदालत में है, हम ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहना है। और बात ये भी है कि मैं इस रामपुर से राजनीति के हट के मैं उनके दिलों में हूँ, वो भी जनता मेरे साथ है। आज कोर्ट में आप हाजिर क्यों नहीं हो रही थी? जमानत दी है आपकी, उसको लेकर क्या कहेंगे तौर से? मैम आप हाजिर क्यों नहीं? जो कुछ भी हमारा हुआ है आज, मैं सिर्फ मेरे सेहत के वजह से, आई वॉज अनवेल, मेरे बीपी बहुत हाई चलता था, मेरे शुगर लेवल्स बहुत हाई चलता था और मेरे पीठ में दर्द होता था, तो ऑलमोस्ट मेरे को किडनी का भी इफेक्ट होने का चांसेस था। इसीलिए मैं हर डॉक्टर के साथ घूमते घूमते मैं थक गई, तो आज भी मैं ऐसी हालत में आई हूँ, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोर्ट ने आपको समझा? मैं हमेशा कोर्ट को मैंने सम्मान किया और को लॉ अबाइड मैं इंसान हूँ, मैं कभी लॉ से कभी भागा नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी, आने वाले दिनों में भी मैं आती रहूँगी। जो मोहब्बत आपकी रामपुर की आवाम में थी और अभी भी है, तो वो दूरियाँ हैं उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, करीब करेंगे? मैं दूर तो है ही नहीं हूँ, तो करीब आने के लिए हमेशा करीब ही। मैम लोकसभा चुनाव है, उसमें लेकर क्या कहेंगी आप? ऐसा है ना, लोकसभा चुनाव में जयप्रदा निर्णय नहीं ले सकती है ना, वो तो शीर्ष लोग जो है पार्टी के बैठे हैं, उन्होंने निर्णय जो लिया है उनके लिए पालन करें। अगर प्रचार जयप्रदा नाटा के विरुद्ध एमपी एमएलए विशेष न्याय मजिस्ट्रेट रामपुर के न्यायालय में दो चुनाव आचार संहिता से संबंधित 2 मुकदमे चल रहे थे, जिसमें जयप्रदा के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी थे और व्यासी भी जारी थे। उसमें आज जयप्रदा अपने अधिवक्ता के साथ आज मानी नाले में हाजिर आई थी, क्योंकि उनके द्वारा जो एनबीडब्ल्यू पहले जारी किया गया था उसका रिविजन किया गया था सेशन न्यायालय में। माने सेशन न्यायालय ने उस समय एक आदेश किया था कि यदि अभियुक्ता ट्रायल न्यायालय में उपस्थित आती हैं
तो उसके उसको विधिक रूप से सुनवाई किया जाए। अधिवक्ता उपस्थित आई थी और उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की थी कि तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ पा रही थी और एजेड हैं। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय ने उनके और रिकाल प्रार्थना पत्र डाला था। माननीय न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 20,000 रुपये की नई जमानती और बंद पत्र को और इस शर्त के साथ कि आप प्रत्येक तिथियों पर माननीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगी और अनावश्यक जो हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगी और न्यायालय में जो मुकदमे हैं उसको निस्तारण में विलम्ब नहीं करेंगी, इस शर्त के साथ उनके जो है रिकाल प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने स्वीकार किया। आज बेल हो गई? नहीं, बेल बात नहीं थी, बेल नहीं, उन्होंने NPW रिकाल का प्रार्थना पत्र दिया था। अच्छा, रिकाल हो गया उनका प्रार्थना पत्र। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।